हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूं, और ये जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है जिनको फ्लेकी, ईची और डेंड्रफ वाले स्कैल्प की प्रॉब्लम है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मैं स्किन केयर, मेकअप, हॉल, रिव्यू रिलेटेड वीडियोस लेकर आती हूँ। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कर देना ताकि मेरी आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। और जिन दो प्रोडक्ट के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ वो है मामा अर्थ का लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ लेमन एंड जिंजर, और मामा अर्थ का लेमन एंटी डैंड्रफ कंडीशनर विथ लेमन एंड जिंजर। ये दोनों प्रोडक्ट को मैंने रिसेंटली परचेज किया है, और ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो मामा अर्थ के न्यू लॉन्च है। वैसे तो मामा अर्थ की ये जो शैम्पू वाली रेंज है उसमें पहले भी एंटी डैंड्रफ रेंज के दो तीन शैम्पूज लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल किया कि मैं इस वेरियंट को परचेज करूँ, लेमन और जिंजर को, और ट्राई करूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा फ्लेकी और इची स्कैल्प का प्रॉब्लम है। तो मैंने इन दोनों प्रोडक्ट्स को परचेज कर लिया। सबसे पहले मैं पैकेजिंग की बात करूंगी, तो लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू का पैकेजिंग जो है वो इस तरीके के पैकेजिंग में ही आया था। मामा अर्थ जो ब्रांड है वो मेड सेफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है फॉर ऑल हेयर टाइप्स, 250 ml की क्वांटिटी है, और आपको बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट है, 349 rupees। लेकिन मैंने इसको बाय वन गेट वन फ्री ऑफर पर परचेज किया, तो मुझे 349 rupees में शैम्पू और कंडीशनर दोनों मिल गए हैं, तो बहुत अच्छी डील है। मामा अर्थ पर ऐसी डील्स चलती रहती है। मामा अर्थ जो ब्रांड है वो बहुत ही ज्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से प्रोडक्ट्स बनाता है, प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। मैं ये जो सारी जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ मामा अर्थ ब्रांड के बारे में, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैं खुद इनके प्रोडक्ट्स परचेज करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद आते हैं। मैंने ऑलरेडी मामा अर्थ की अंडर आई जो जेल क्रीम है उसका रिव्यू बना के रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर चेक करना, आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगा वो वीडियोस। ये जो बॉटल्स है उसका पैकेजिंग कुछ इस टाइप का है, आपको इस टाइप की पंप टाइप की पैकेजिंग मिल जाएगी, और सबसे बेस्ट चीज ये बहुत ही ज्यादा ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप इसे लॉक और अनलॉक कर सकते हो। आप अगर इसे लॉक कर दोगे तो आप इसे पुश करोगे तो प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलेगा, तो बहुत ही ज्यादा सेफ पैकेजिंग है। आप इसे लेकर कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो, तो पैकेजिंग वाइज भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया ये प्रोडक्ट। अब हम बात कर लेते हैं इसके मेन इंग्रेडिएंट की। तो मेन इंग्रेडिएंट इसमें है लेमन और जिंजर। लेमन जो है वो हम सबको ही पता होगा कि हमारी दादी नानी के टाइम से ही बहुत अच्छे से डैंड्रफ पर काम करता है। पहले के जमाने में तो लिटरली हमारे जो बड़े होते थे वो लेमन को लेकर हमारे स्कैल्प पर रगड़ते थे, अगर ईची स्कैल्प डैंड्रफ वाला स्कैल्प होता था तो। बहुत अच्छे से काम करता है लेमन डैंड्रफ के ऊपर। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है जिंजर। जिंजर भी बहुत अच्छा एक इंग्रेडिएंट है डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए, बैक्टीरियाज को ट्रीट करने के लिए, और हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाने के लिए। दोनों इंग्रेडिएंट का जो कॉम्बिनेशन डाला हुआ है इस शैम्पू में वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और ये जो प्रोडक्ट है वो क्लेम करता है कि अप टू 100% डैंड्रफ फ्री स्कैल्प, और ये मैं आप लोगों को आगे फाइनल वर्डिक्ट फाइनल रिव्यू में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से इस शैम्पू ने मेरे स्कैल्प पर काम किया है और किस तरीके से मुझे इसने रिजल्ट दिया है। तो ये हो गए पैकेजिंग की बात और इंग्रेडिएंट्स की बात। बाकी इसमें जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, कोई भी हार्मफुल केमिकल्स वगैरह ऐड नहीं किया हुआ है। मामा अर्थ जो ब्रांड है वो क्रुएल्टी फ्री ब्रांड है। यहाँ पर पैकेजिंग पर आपको इसकी सारी की सारी ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका फॉर्मूला दिखा देना चाहूंगी कि किस तरीके की कंसिस्टेंसी में आता है। बहुत ही ज्यादा क्रीमी और लाइट वेट कंसिस्टेंसी है इसकी, जैसे कि आप देख सकते हो। बहुत अच्छे से स्कैल्प पर लेदर करता है, फोम बनाता है और स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। मुझे इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और आपको अगर हार्डली अगर आपकी मीडियम लेंथ हेयर है तो आपको हार्डली 3 to 4 pumps लगेंगे अपने पूरे स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करने के लिए। तो शैम्पू की कंसिस्टेंसी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, और ये शैम्पू से हेयर को वॉश करने के बाद मुझे एज सच हेयर फॉल की भी कोई प्रॉब्लम ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ी। और अब हम बात करते हैं इसके कंडीशनर। हम में से 90% लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ शैम्पू करते हैं, कंडीशनर को मोस्टली अवॉइड करते हैं।
लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी, अगर आप कोई शैम्पू यूज कर रहे हो तो आप उसके साथ साथ कोई कंडीशनर भी या तो उसी ब्रांड का या दूसरे ब्रांड का अपने बालों पर यूज करो, क्योंकि शैम्पू को यूज करने के बाद हमारे बालों का जो न्यूट्रिशन है, हमारे बालों की का जो मॉइस्चराइजेशन है वो सारा चला जाता है, स्पेशली एंटी डैंड्रफ शैम्पू को यूज करने से। तो उसकी वजह से हमें कंडीशनर यूज करना काफी ज्यादा जरूरी है, जो कि हमारे बालों को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और हमारे बालों को सॉफ्ट एंड सपल बनाता है। इसी के लिए मैंने यूज किया मामा अर्थ का लेमन एंटी डैंड्रफ कंडीशनर। इसके भी दोनों मेन इंग्रेडिएंट लेमन और जिंजर है, तो कंडीशनर में भी आपको वही गुडनेस मिल रही है। तो आपका जो स्कैल्प है वो बहुत अच्छे से क्लीन होता है, उसके साथ साथ नरिश भी होता है इन दोनों ही इंग्रेडिएंट्स से। अगेन ये जो बॉटल है वो 250 ml की है और आपको 349 रुपीस कॉस्ट करेगी। बॉटल पर आपको सारी ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मुझे कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगा, येलो और व्हाइट का। और ये जो कंडीशनर है वो भी 100% डैंड्रफ को रिमूव करने में हेल्प करता है। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा दूंगी। इसकी भी बहुत ही अच्छी सी कंसिस्टेंसी है, जैसे कि आप देख सकते हो सेम शैम्पू लाइक कंसिस्टेंसी है। बालों को जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट और सफल बनाता है, बिल्कुल क्रीमी कंसिस्टेंसी है और बहुत अच्छे से काम करता है। अगर मैं इन दोनों प्रोडक्ट के फ्रेग्रेंस की बात करूं, तो अगर आप शैम्पू को यूज करोगे, शैम्पू को अप्लाई करोगे, तो आप बिल्कुल जैसे जिंजर लेमन टी पी रहे हो वैसे ही फ्रेग्रेंस आएगी और बहुत माइल्ड फ्रेग्रेंस है इसकी, आपको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगी। और कंडीशनर में भी कोई तो फ्रेग्रेंस है जिसमें कि लेमन का थोड़ा सा हिंट आ रहा है। और अब बात करते हैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा जो रिव्यू है इन दोनों प्रोडक्ट्स को लेकर वो क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक पिक्चर और एक क्लिप दिखाना चाहूंगी कि मेरा जो स्कैल्प था वो इस शैम्पू को यूज करने से पहले क्या कंडीशन में था। और इस शैम्पू को मैंने 4 बार अप्लाई किया है वीक में 2 बार करके, और उसके बाद मेरे जो स्कैल्प की कंडीशन है वो क्या है। तो आप पहले उस क्लिप को और उस फोटो को देख लीजिए, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि ये जो शैम्पू है वो किस तरीके से मेरे स्कैल्प पर वर्क करता है, और आप लोगों को भी अंदाजा आएगा कि ये कैसा रिजल्ट आपको दे सकता है। तो आई होप ये वीडियो और ये क्लिप देखकर आप लोगों को भी अंदाजा हो गया होगा, मैंने आप लोगों के साथ लाइव शेयर किया है मेरे स्कैल्प की पहले की कंडीशन और इस शैम्पू कंडीशनर को यूज करने के बाद की जो कंडीशन है वो। सिर्फ 4 वॉश में इसने मेरे स्कैल्प से 80% तक का डैंड्रफ जो है वो रिमूव कर दिया है, और इची स्कैल्प भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगी, आप डैंड्रफ की प्रॉब्लम से, फ्लेकी स्कैल्प की प्रॉब्लम से परेशान हो तो मामा अर्थ की लेमन और जिंजर वाली एंटी डैंड्रफ शैम्पू की रेंज को आप ट्राई करो। ये डेफिनेटली आपको भी हेल्प करेगा डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए आपके स्कैल्प से। तो ये था मेरा ऑनेस्ट और डिटेल रिव्यू इन दोनों प्रोडक्ट्स को लेकर। आई होप ये रिव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यूज के वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं। चलिए मैं मिलती हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।